क्या बोलती पब्लिक, मैं ग्रेट भाई फिर से आ गया है। तो भाई लोग आज के वीडियो में ना अपन रिएक्शन देने वाले सलार द सीज फायर के नए सॉन्ग पे, जिसका नाम है सूरज ही छाओ बन के। हिंदी वाला दोस्तों, तेलुगु वाला नहीं, कोई दूसरी लैंग्वेज वाला नहीं, हिंदी वाला सॉन्ग। उसके ऊपर दोस्तों मैं अपना रिएक्शन दूंगा। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि मैं सलार रिलीज होने वाली है 22 दिसंबर को, क्लैश होने वाला है इसका डंकी के साथ, जो हमारे SRK की पिक्चर है। दोस्तों इसका नया सॉन्ग आया है सलार द सीज फायर पार्ट वन का, फर्स्ट सॉन्ग आया है सूरज ही छाओ बन के। इसके अंदर दोस्तों अपने प्रवास है और पृथ्वीराज है, और इसको डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। तो पब्लिक आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिंगर है वो है मेनुका, म्यूजिक डायरेक्टर है रवि, और लिरिक्स लिखा है रिया मुखर्जी ने। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, और ये पिक्चर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 22 दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली है, टक्कर है डंकी से। अब यह सॉन्ग कैसा होगा दोस्तों मेरे को नहीं पता, मैं सबसे पहले देखता हूँ उसके ऊपर अपना रिएक्शन देता हूँ। अभी तक दोस्तों सलार की हाइप इतनी ज़्यादा नहीं है, देखते हैं कि गाना के बाद क्या हाइप और बढ़ जाती है या नहीं बढ़ती है। लेकिन सबसे पहले मैं इसका गाना सुनता हूँ। आप लोग क्या करोगे दोस्तों, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हेडसेट लगाता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्टेड। सूरज ही छाओ बन के आया है आज तन के, उसका साया ढाल बन के साथ ना छोड़े, ऐसी ताकत जिसके आगे मौत दम तोड़े। हर एक लम्हा हिफाजत जमी से है फलक तक, उसकी आंखें बाज जैसे हर तरफ देखें, है अकेला फौज जैसा वार ना चूके। रिवेल स्टार प्रभास सलार पार्ट वन सीज फायर, डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील, म्यूजिक रवि, सिंगर मेनुका, झंझा जंगल में कसोटा दंगल में, ये लुक थोड़ा मस्त लग रहा है इधर। एक तूफान एक गर्जन मिले तो धरती हिले, एक ज्वाला एक आंधी फैले तो जल फाटक किले। दोस्त ऐसा जिंदगी में हर किसी को मिले, जैसे सांस तन को मिले। तन को मिले याद किया क्या भाई, मैं इधर ही हूं, सो जा। जिसके आगे मौत दम तोड़े। दोस्त दोस्त तो भाई लोग मैंने ये जो सॉन्ग था इसको सुन लिया, लिरिक्स अच्छे थे, जिसने गाया वो भी अच्छी है, लेकिन दोस्तों वो वाइब नहीं आ रही है। ऐसा फील हो रहा है ना जैसे कि अपना जो KGF पार्ट वन थी ना, उसी जैसा फील हो रहा है। ये पूरा सॉन्ग था ना दोस्तों वो फ्रेंड्स के ऊपर था, मतलब दो दोस्त के ऊपर ही था पूरा, उसी तरीके से लिरिक्स था, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जो फीलिंग आ रही ना दोस्तों वो आ रही है KGF पार्ट वन की, उसमें माँ और बेटे का था। इसके अंदर भाई और भाई, मतलब दो दोस्त है जो अपने आप को भाई जैसा ही मानते होंगे, उनके बीच का है,
और उनके बीच की केमिस्ट्री है और वो साथ में मिलके क्या क्या करने वाले हैं, उसी तरीके से सॉन्ग था। ओवरऑल दोस्तों मेरे को ये सॉन्ग ओके लगा, इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन लिरिक्स अच्छे हैं, गाया अच्छा है, लेकिन म्यूज़िक में दम नहीं है, वो मज़ा नहीं आ रहा है। फीलिंग अभी भी KGF Part 1 जैसी ही है। मेरे को नहीं लगता दोस्तों इससे ज़्यादा हाइप बढ़ने वाली है, लेकिन सब पब्लिक पे है, पब्लिक को गाने से क्या लेना देना, पब्लिक को तो पूरी पिक्चर देखनी है। स्टोरी अच्छी होगी, अच्छा उसके अंदर फाइटिंग सीन होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो पब्लिक ज़रूर देखेगी। लेकिन अभी तक दोस्तों मैंने इसका ट्रेलर देखा और अपना इसका पहला सॉन्ग भी सुना, मेरे को इतना एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। अगर दोस्तों आपको ये मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।